छह महीने तक चलने वाली दुनिया भर के लिए प्रमुख प्रदर्शनी स्थल दुबई एक्सपो 2020 में इस वर्ष भारत भी भागीदारी कर रहा है। इसमें अयोध्या राम मंदिर, वाराणसी के घाटों के साथ ही योग का प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने बताया कि एक्सपो में अलग अलग राज्यों की संस्कृति और यात्रा का प्रदर्शन किया जाएगा। यहां पर अयोध्या और राम मंदिर के साथ साथ वाराणसी के घाटों को प्रदर्शित करने की तैयारी की है। साथ ही बाकी के जो भी राज्य भाग लेंगे वो अपने प्रदेश को प्रदर्शित करेंगे। हालांकि राज्य की प्रदर्शन अवधि के समापन के साथ ही संबंधित राज्य द्वारा प्रदर्शन भी समाप्त हो जाएगा। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने इस बारे में ऐलान करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक चलने वाले दुबई एक्सपो के लिए भारत का स्थायी पवेलियन बनकर तैयार हो गया है। ये 4 मंजिला भवन है और इसके आगे ओपन थिएटर भी है। वाणिज्य एवं उद्योग संगठन फिक्की के सहयोग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसमें भाग ले रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NBCC ने इस पवेलियन को तैयार किया है और इस भवन के रखरखाव की जिम्मेदारी भी ABCC ने ही ली है। उन्होंने कहा कि 26 हफ्ते तक चलने वाले इस एक्सपो में देश की कंपनियों के साथ ही 30 सरकारी विभाग भी भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य भी भाग ले रहे हैं और दुनिया भर के निवेशकों एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोशिश की जा रही है और अपने स्तर पर निवेश को लेकर करार करेंगे। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल एक्सपो में दुनिया भर के 192 देश भाग ले रहे हैं, जबकि 5 वर्ष में एक बार लगने वाले इस एक्सपो में पिछली बार 140 देशों ने भाग लिया था। इसमें इस वर्ष 2.5 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। वाणिज्य सचिव ने कहा कि देश के सभी राज्यों को समय दिया गया है। गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना जहां निवेश आकर्षित करने के लिए भाग ले रहे हैं, वहां लद्दाख पर्यटक आकर्षित करने के लिए शिरकत कर रहा है। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें भाग लेने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। वैसे दुबई के साथ भारत का रिश्ता बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री का स्वयं का संबंध बेहतर है। सचिव ने कहा कि इसमें देश के 115 आकांक्षी जिलों के बच्चों को भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्सपो के समाप्त होने के बाद भी इस भवन का उपयोग किया जाएगा। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।